एक कलाकार माँ ने जब अपने कलाकार बेटे को अंतिम विदाई दी तो माहौल बेहद गमगीन था। ऐसे में माँ के होठों से एक लोकगीत चूला माटी के राम निकला तो कलेजा फट गया। इस वेदना के पलों में आंखों में सिर्फ आंसुओं का सैलाब था। लोक गायिका व अभिनेत्री माँ और प्रसिद्ध लोक कलाकार के इस लाडले की अंतिम विदाई के समय ममता नगर में जो कुछ हुआ वैसा केवल किस्से कहानियों में ही मिलता है। यह दृश्य किसी को भी रोने को मजबूर कर सकते हैं। माँ ने बेटे की अंतिम इच्छा के अनुरूप छत्तीसगढ़ी लोकगीत एकर का भरोसा चोला माटी के राम गाकर अंतिम विदाई दी। साथ ही कलाकारों ने ढोलक और हारमोनियम पर संगत देकर दोस्त को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूनम तिवारी और रंगकर्मी दीपक तिवारी के बेटे सूरज तिवारी का हृदयघात से निधन हो गया। अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू हुई, आरती तैयार हो गई। आरती तिलक के बाद मुक्तिधाम निकलने के पहले माँ पूनम ने बेटे की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दिल पर पत्थर रखा और अपने नाटक के लोकगीत एकर का भरोसा चोला माटी के राम गाया। यह गीत पूनम तिवारी सैकड़ों बार गा चुकी थी, लेकिन एक बेटे का माँ से हमेशा के लिए बिछड़ने की जो पीड़ा थी उसने सभी को रुला दिया। सूरज कुछ दिनों पहले बीमार हुए तो पल्स नेहरू नगर अस्पताल में भर्ती किए गए थे। थोड़ा आराम लगा तो 29 अक्टूबर को तिल्दा के एक गांव में कार्यक्रम देने चले गए। यह उनके जीवन की आखिरी प्रस्तुति थी। गायक वादक और रंग छतीसा के संचालक सूरज की मौत से कला के पुजारी इस परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सूरज बचपन से पिता के नाटक चरणदास चोर को देखते आए हैं। उन्होंने हबीब तनवीरी के साथ काम किया, नाटक आगरा बाजार का सैकड़ों शो भी किए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।